गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी तनीषा। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड आज के वीडियो में आप लोगों के साथ दो प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। फर्स्ट ये रेजर होने वाला है, सेकंड ये शेव क्रीम होने वाला है। दोनों को मैं ट्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये दोनों प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने हेयर को किस तरीके से रिमूव करती हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ रेजर का रिव्यू शेयर करूंगी। एंड ये लेट्सेव ब्रांड से है, लेट्सेव इवियोर फ्लाई कॉम्पैक्ट रेजर है गाइस। एंड ये बहुत ही क्यूट से पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा एज यू कैन सी। तो इस तरीके से आप इजिली ओपन कर सकते हो एंड इसमें आपको एक रेजर मिल जाएगा। आप दिया गया है, आप लोग इसको इजिली रिमूव कर सकते हो यूज करने के टाइम। एंड गाइस इसमें एवोकाडो मॉइस्चराइजिंग बार यूज किया गया है एज यू कैन सी। ऊपर एंड नीचे दोनों साइड में आपको इस तरीके का एवोकाडो मॉइस्चराइजिंग बार इसमें लगाया गया है। गाइस इसका ब्लेड इस तरीके से मूव करता है तो शेव करते टाइम बिल्कुल भी कट लगने का चांस नहीं है एंड इजिली आपका ग्लाइड करेगा। गाइस इसके हैंडल में रबर मटेरियल यूज किया गया है तो ये काफी अच्छे तरीके से ग्रिप बनाता है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है। ये हेड को आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको जस्ट ऊपर प्रेस करना है, आपका इजिली रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। शेव करने के बाद इसको इजिली वॉश भी कर सकते हो इस तरीके से निकाल कर। गाइस ये बहुत ही स्मॉल एंड हैंडी है तो ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है, तो आप लोग इसको इजिली कहीं भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ व्हिप शेव क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी। व्हाइट एंड पिंक के कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा एंड ये लेट्स से व्हिप शेव क्रीम है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, जस्ट इसका प्राइस 249 रुपीज है। एंड 249 रुपीज में आपको 150 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट का यूज नहीं किया गया है। आपको गुडनेस मिल जाएगा ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, आर्गन ऑयल एंड एलोवेरा का। तो डेफिनेटली आप लोग ये व्हिप शेव क्रीम यूज कर सकते हैं एंड ये ऑल टाइप स्किन के लिए परफेक्ट है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तब भी आप इसको इजिली यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी आप इचिनेस एंड इरिटेशन वगैरह नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप इस शेव क्रीम को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी इसको यूज करके दिखाती हूं। गाइस आप लोग चेक कर सकते हो मेरे हाथ पे कितना बाल है एंड इसको ही मैं आपको शेव करके दिखाऊंगी। तो मैं व्हिप क्रीम लूंगी, पहले आपको टेक्सचर दिखा देती हूं। इस तरीके का ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है एंड काफी माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसका। एंड इसको मैं अपने हाथ पे इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी एंड ये इजिली स्प्रेड भी हो जाता है। नेक्स्ट मैं इवियोर रेजर से हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में शेव करूंगी एंड अपोजिट डायरेक्शन में शेव करने से काफी क्लीन लुक आता है, तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। सिंगल स्ट्रोक में इजिली हेयर रिमूव हो जाएगा एंड इसी तरीके से मैं अपने हर एक बॉडी पार्ट में इसी तरीके से शेव करती हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो कितना सॉफ्ट लग रहा है एंड इजिली हो भी जाता है। इसको मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश करके मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूंगी एंड बोरो प्लस का मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई किया, आप लोग कोई सा भी कर सकते हो। एंड इस तरीके से पेन फ्री एंड कितने इजिली शेव हो गया है, तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।